नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अतीत के झरोके से। मैं दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बड़ी ही रोचक घटना। एक हमारे दुनिया के 7 अजूबों में से एक है उसके बारे में, और वो क्या है इसके बारे में गाना भी था जो ऐसा था। तो ये है ताजमहल, हमारे हिंदुस्तान की शान, जिसको बादशाह शाहजहां ने सन 1631 में बनवाना स्टार्ट किया था और 22 साल में बन के पूरा हुआ था। इसके बारे में एक घटना है बड़ी ही रोचक है, आपको जानकर हैरानी होगी कि इस ताजमहल को सन 1828 में बेचने की कोशिश की जा चुकी है। ये कोशिश थी ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा 1828 में, जब गवर्नर जनरल लॉर्ड बेंटिक हुआ करते थे। लॉर्ड बेंटिक वही थे जिन्होंने सती प्रथा जैसी कुप्रथा को ख़त्म किया था। तो ये जो घटना थी जिसके लिए ताज की नीलामी हुई थी, इसके बारे में एक अंग्रेज़ लेखक एच जी कैंस की आगरा एंड नेबरहुड्स बुक के बारे में इसकी जानकारी दी गई है। इन बुक के मुताबिक सन 1828 में तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक के आदेश पर कोलकाता के अखबार में ताज को बेचने का टेंडर जारी किया गया था। उस समय अंग्रेज शासन की राजधानी कलकत्ता हुआ करती थी। टेंडर निकलने के बाद मथुरा के सेठ लक्ष्मीचंद ने लगभग 1,50,000 रुपये में बोली लगाकर ताज को खरीदा था। गौरतलब है कि इन सेठ का परिवार आज भी मथुरा में रहता है। जब ताज को बेचने की खबर इसके पुराने सेवादारों को लगी तो इसके बाद सूचना फैलते फैलते लंदन तक चली गई। लंदन की असेंबली में नीलामी पर सवाल उठे। उस समय लॉर्ड विलियम बेंटिक ने ताज की नीलामी कैंसिल कर दी। इसके बाद दूसरी बार फिर से कलकत्ता के अंग्रेजी दैनिक जानबुल में 26 जुलाई 1831 के अंक में फिर से ताज महल को बेचने की विज्ञप्ति जारी हुई। इस बार भी सेठ लक्ष्मीचंद ने 7,00,000 रुपए की बोली लगाकर ताज के मालिक बन गए। बता दें कि वॉयसरॉय लॉर्ड कर्जन ने 7 फरवरी 1900 में पहली बार ताज की नीलामी का खुलासा किया था। उन्होंने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की एनुअल मीटिंग में इसके बारे में बताया था। तो इसको बेचने के पीछे एक कारण भी था कि इसके महंगे संगमरमर को जहाज़ों में भरकर लंदन के मुख्य उद्योगपतियों और अमीर लोगों के घरों को बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाना था। तो ताजमहल के कुछ कई पुराने मानचित्र और नक्काशीदार पत्थरों को विलियम बेंटिक ने नीलाम कर बेच दिया था। कुछ पत्थरों को लॉर्ड हेस्टिंग्स ने लंदन भेजा था। इतिहास में यह भी तथ्य बताया जाता है कि ताज को तोड़ने में लंबा वक्त लगने वाला था और कीमती पत्थर के अच्छे दाम भी नहीं मिल पा रहे थे। बहुत महंगा भी था और शायद अंग्रेज़ लोग इसको ख़रीद भी नहीं पा रहे थे जो लंदन में स्थित थे, इसलिए इस नीलामी को कैंसिल कर दिया गया। ताज को नीलाम करने वाले गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक वही अंग्रेज़ वायसरॉय थे जिनको भारत में सती प्रथा को ख़त्म करने के लिए सम्मान दिया जाता है। तो इस तरह हमारा ताज बेचते बिकते बिकते बच गया और लंदन से तुरंत एक विज्ञप्ति जारी हुई और आदेश दिया गया कि इसको रोक दिया जाए, इसकी नीलामी को। दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये रोचक जानकारी बहुत पसंद आई होगी ताजमहल के बारे में। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगली बार फिर मिलते हैं किसी नई रोचक घटना के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।